तो हेलो गाइज, वो सब कैसे आप सभी लोग। तो गाइज यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एशिया की टॉप 3 ऐसी एडल्ट मूवीज के बारे में गाइज, जो हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है। तो गाइज साथ ही हम बात करने वाले हैं गाइज, जो ये मूवीज होती हैं जिसमें एडल्ट सीन्स होते हैं गाइज, वो हमें हटा के दिखा दी जाएंगे। पर गाइज उसके लिए भी मेरे पास एक रीज़न है जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई होने वाले, बस आपको वीडियो में मजा आने वाला है। गाइज वीडियो को आगे देखना तो आपका बेहद आएगा भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइज हमने एनिमल लवर्स के साथ एक वीडियो कोलैब करी थी, तो गाइज वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और साथ ही में गाइज आपने अभी तक एनिमल लवर्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना, आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो गाइज मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जाकर देख लेना प्लीज़। तो गाइज अब बात कर लेते हैं उस वाले रीज़न की गाइज, जो शिनचैन की जो एडल्ट मूवीज़ होती हैं वो हमें एडल्ट सीन्स हटा के भी तो दिखाए जा सकते हैं, पर गाइज ऐसा क्यों नहीं होता। तो गाइज मैं बता दूँ, सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि जो एडल्ट सीन्स है गाइज, आप जब तक नहीं देखेंगे वो आपको मूवी समझ नहीं आने वाली। हाँ गाइज यही है रीज़न, अगर आपको हंगामा टीवी ऐसे कर भी देता है, एडल्ट सीन्स को हटा देता है, तो आपको मूवी समझ नहीं आने वाली, आपकी टाइम की बर्बादी होगी सिर्फ। तो गाइज बस यही था सबसे बड़ा मेन रीज़न नई मूवी आने का। तो गाइज अब बात कर लेते हैं वो टॉप 3 मूवीज ऐसी कौन सी है जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, उसमें भर भर के एडल्ट सीन्स है। जब तक आप उन एडल्ट सीन्स को नहीं देखोगे आपको मूवी समझ नहीं आने वाली। तो बात करते हैं उन तीनों मूवीज़ के बारे में। तो गाइस यहाँ पे नंबर 1 पर मूवी है क्रेयोन शिनचैन एक्सप्लोजन दी हॉट स्प्रिंग फील गुड फाइनल बैटल। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई थी करीब 19 अप्रैल 1999 को, और गाइस मैं बता दूँ इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, और गाइस उस बुरे साइंटिस्ट को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है गाइस शिनचैन के घर के नीचे जाला हॉट स्प्रिंग। तो गाइस इस मूवी के बीच में हॉट स्प्रिंग का क्या कनेक्शन है साइंटिस्ट से, वो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। तो गाइस आप ये मूवी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन बता देंगे, तो गाइस जाके जरूर देखना। तो गाइज नंबर 2 पे मूवी है क्रेयोन शिनचैन दी लीजेंड कॉल जांस एमिगो मूवी। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई थी करीबन 15 अप्रैल 2006 को। तो गाइज इस मूवी में कासुकावे में जो शिनचैन का स्कूल है गाइज, वहाँ पर हमेशा एक कार्निवल होता है, और गाइज उस कार्निवल में हमेशा ट्रेडिशनल सॉन्ग पर डांस किया जाता है। पर गाइज उस समय सब बोल रहे थे कि हम सब सांबा डांस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे शिनचैन को शक, क्योंकि गाइज वहाँ पे हमेशा ट्रेडिशनल सॉन्ग पर डांस किया जाता है, पर वहाँ पे अचानक से सांबा डांस क्यों? तो गाइज ये इडली सांबा वाला सांबा नहीं है। तो गाइज ये शिनचैन समझ जाता है कि सांबा गर्ल्स का काम है। तो गाइज ये जो सांबा गर्ल्स है वो चाहती हैं कि जो वो हमारे दुनिया में पूरा फेमस हो जाए ये सांबा डांस, और अपने अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग को सब छोड़कर बस हमारा ही सांबा डांस करें। तो गाइज नंबर 3 भी मूवी है यहाँ पे क्रेयोन शिनचैन दी हनीमून हुरिकेन दी लॉस्ट हिरोशी। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई करीबन 19 अप्रैल 2019 को। तो गाइज मैं बता दूँ ये जो मूवी है उसमें गाइज मिस्सी जो और हिरोशी वो कभी भी शादी के बाद पिकनिक पर नहीं गए थे। तो गाइज वो पिकनिक पर जाना चाहते थे और गाइज वो पिकनिक पर गए भी। तो गाइज हुआ क्या कि यहाँ पे जो हिरोशी है वो किडनैप हो गया, और गाइज यहाँ पे जो मिस्सी है और शिनचैन है और जो हिमावारी वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज बस जाके अभी वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे क्लिक कर देना प्लीज़। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, सी यू।